जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये भर्ती आपकी 354 पदों पर निकाली है, तो इसका जो प्रोसेस है वो आपका ऑफलाइन वे में भरा जाएगा। इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके मन में इस फॉर्म को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और उसके बाद में अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर कवर नहीं किया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर आपके सामने हमारी वेबसाइट जॉब्स ज्ञान आ जाएगी। ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है। अब इसको ओपन करने के बाद आपको होम पेज के ऊपर यहां पर रिसेंट पोस्ट में BROGREF रिक्रूटमेंट 2021 ये पोस्ट देखने को मिलेगी। आपको इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। पोस्ट ओपन होने के बाद आपको यहां पर एलिजिबिलिटी की जानकारी जानने को मिलेगी, जैसे कि 354 पद पर ये वैकेंसी निकाली है। इसके अलावा आपको यहां पर जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और मैंने ऑलरेडी सिलेबस की वीडियो बना दी है। आपको यहां पर अब क्या करना है, आपको डाउनलोड फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके अंदर आपको नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी और नीचे की तरफ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है वो दिया है। सबसे पहले आप यहां पर ये देख लीजिए कि आपसे इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन के पेज नंबर 28 पर आप देखेंगे कि आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी दी है। पहली जो आपकी पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और पेंटर का सर्टिफिकेट मांगा है। बेसिकली अगर आपने ITI किया पेंटर के ट्रेड में तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सेकेंड विकल्प आपको ये वाली क्वालिफिकेशन का दिया है, अगर आपके पास ITI नहीं है और ये सेकेंड क्वालिफिकेशन है तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर तीसरा आपको बोला है कि शुड क्वालिफाई इन प्रोफेशन टेस्ट इन दी ट्रेड टू बी कंडक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको ये क्वालिफाई करना होगा टेस्ट जो कि BRO के द्वारा बाद में कंडक्ट किया जाएगा। शुड क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना होगा और जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो भी आपको मैच करनी होगी। फिर आपकी अगली पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर मैस वेटर, इसके लिए 10वीं पास की योग्यता और साथ ही आपको बोला है कि आपको जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये क्लियर करना होगा। बेसिकली अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपल आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा। अब आती है आपकी व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट, इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और आपसे सर्टिफिकेट मांगा है मैकेनिक इन मोटर व्हीकल डीजल या फिर हीट इंजन। और अगर आपके पास ये सेकंड क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको तीसरा ऑप्शन ये दिया है और फिर इसके अलावा ये अलग से आपको ऑप्शन दिया है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड, इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और आपको बोला है कि हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं और लाइसेंस के माध्यम से आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस आपसे अलग से नहीं मांगा। तो ये हुई आपकी इसकी जानकारी। यहां पर नीचे आपको सिलेबस की जानकारी भी अच्छे से दी जा रही है। अब मैं बात करता हूं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये आपने नोटिफिकेशन देखा, इसी नोटिफिकेशन में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आपको यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म और जो एडमिट कार्ड है नीचे दोनों को प्रिंट करा लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर है आपका कंट्रोल नंबर, ये आपको खाली छोड़ देना है, ये ऑफिस की तरफ से भरा जाएगा। फिर इसके बाद आपको बोला है कि ऑल एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड इन A4 साइज 74 GSM बॉन्ड पेपर, इस ये जो पेपर है ये आपको पेपर होना चाहिए और A4 साइज का आपका पेपर हो, उसके ऊपर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कराना है। अब यहां पर नेम ऑफ पोस्ट, तो जो भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है यहां पर दोस्तों आपकी सभी पोस्ट दी गई है, आपको अच्छे से नाम चेक कर लेना है और जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है इसी पोस्ट का नाम आपको यहां पर लिख देना है। अब आता है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो पोस्ट है आपकी इसका सीरियल नंबर क्या है। मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट पर तो इसका सीरियल नंबर है 3, आपको यहां पर उसी का जो भी पोस्ट है वही सीरियल नंबर लिख देना है।
अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा बायजूस एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप के अपकमिंग एंड ऑनगोइंग कोर्सेज के बारे में, जो कि पूरी तरीके से फ्री है और डिफेंस कैटेगरी के लिए है। तो अगर आपकी डिफेंस कैटेगरी है या फिर आप डिफेंस में जाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ से आप प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपके कोर्सेज है वो है आपका CDS फर्स्ट 2022, जिसकी जो कोर्स स्टार्ट डेट है वो 6 दिसंबर 2021 है, जहाँ पर आपको ये सभी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और ध्यान दीजिए कि ये आपका फ्री कोर्स है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ACE FCAT एक कोर्स फॉर FCAT फर्स्ट 2022, अगर आपने FCAT के लिए अप्लाई किया है या फिर आप करने वाले हो तो आप यहां पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी स्टार्ट डेट 11 दिसंबर 2021 है। इसके अलावा SSB इंटरव्यू ए मास्टर कोर्स, इसका जो कोर्स स्टार्ट डेट है वो आपका 12 दिसंबर 2021 है। साथ ही यहां पर आपको CAPF 2022 सोरिया कोर्स भी देखने को मिलेगा, ये आपका स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, आपको यहां पर पूरी जानकारी इसके बारे में दी गई है। अगर आप यहां पर पेड प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप न्यू 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहां पर तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो आपको जल्दी से जाना है और बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप को डाउनलोड करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, कोई सवाल डाउट हो इस संबंध में तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों यहां पर आपके सामने इस तरफ है पेस्ट डू नॉट पिन और स्टेपल, यानी कि आपको फोटो चिपकाना है, आपको पिन नहीं मारनी है। उसके ऊपर योर डिसेंड कलर पासवर्ड साइज फोटोग्राफ ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 5 सेंटीमीटर का आपका फोटो होना चाहिए और ये आपका कलर फोटोग्राफ हो और ये आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई पुराना फोटो है तो आप ये मान करके इसको डालिए कि हाँ ये आपका पुराना फोटो नहीं है। साथ ही ये जो आपका फोटो है ये आपका अटेस्टेड होना चाहिए गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलेगा, आपको गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा इसको अटेस्ट करवाना होगा। तो यहाँ पर आपने फोटो लगा दिया है। नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट बिलो दी फोटोग्राफ, ये जो आपको कॉलम देखने को मिल पा रहा है इसके अंदर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। फिर दोस्तों यहां पर आपका 4 पॉइंट आता है कैटेगरी इन विच अप्लाइड, यानी कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो या फिर आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो यहां पर आपको उसी कैटेगरी में राइट टिक लगा देना है कि हाँ मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर आपके सामने 5 पॉइंट आता है वेटेज परसेंटेज मार्क्स। अब इसके बारे में आपके मन में कंफ्यूजन होगा, ये कंफ्यूजन मैं आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाला हूं ताकि आपसे ये जानकारी भरने में कोई मिस्टेक न हो। तो यहां पर पहला जो आपका बॉक्स है आपको बोला कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन एसेंशियल एजुकेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है उसमें आपकी कितनी परसेंटेज है वो परसेंटेज यहां पर आपको लिखनी है। साथ ही यहां पर आपको प्लस करके बोला है एडिशनल परसेंटेज क्लेम्ड एज पर कॉलम 15, यानी कि यहां पर ये आपका वेटेज है। एक कॉलम आपको दिया जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये आपका है वेटेज, जिसमें कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको जो परसेंटेज दी जा रही है अतिरिक्त उनके लिए वहां पर क्लेम करना होगा। मान लीजिए आपके पास NCCC सर्टिफिकेट है तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको इस वाले कॉलम के अंदर 10% लिख देना है। और इसी प्रकार से अगर आप स्पोर्ट्स एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल पर खेले हो तो आपको यहां पर 5% अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो आपको यहां पर तो लिखना है अपनी जो आपकी मेन क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसकी परसेंटेज। सेकेंडली यहां पर आपने जिस भी कैटेगरी के लिए क्लेम किया है वो कैटेगरी पर आपको कितनी परसेंटेज दी गई है इस जानकारी के अकॉर्डिंग वही आपको यहां पर लिखनी है। और फिर आपको टोटल करके आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की परसेंटेज है वो, और जो आपको यहां पर कॉलम 15 के अंतर्गत जो परसेंटेज का फायदा मिला है अगर आप उनसे बिलोंग करते हो तो आपको टोटल करके लिख देना है। बट अगर आपके पास जो एडिशनल क्लेम्ड परसेंटेज है उसमें से आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है, आप उनसे बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप सिंपली यहां पर जो आपने ये वाली क्वालिफिकेशन की परसेंटेज भरी है वही परसेंटेज टोटल में भर देनी है, इस वाले कॉलम को खाली छोड़ देना है। आई होप अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में। तो यहां पर दोस्तों आपको बोले कि वेदर बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है, यानी कि नो के ऊपर राइट टिक लगा देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहां पर जो कैटेगरी दी गई है इन कैटेगरी में से आपकी कौन सी कैटेगरी है उसी के ऊपर आपको राइट टिक लगाना होगा। फिर 7 पॉइंट आता है वेदर बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि EWS कैटेगरी, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहां पर यस नो के सामने टिक लगाना है, करते हो तो यस के सामने नहीं तो नो के सामने। अगर यस करोगे तो आपको उसका जो
फोटोकॉपी है आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, वो इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अब आते हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर एज पर 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पर अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। तो जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है, जैसे कि ए, सेकेंड कॉलम में एम, उसके बाद जेड, फिर ए, फिर डी, और जब आपका सरनेम स्टार्ट हो तो आपको एक बॉक्स खाली छोड़ देना है और उसके बाद आपको अपना सरनेम यानी कि लास्ट नेम लिखना है। इस प्रकार से आपको अपना नाम लिख देना है। फिर 9 पॉइंट में आपको अपने पिताजी का नाम देना है, ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही देना है और अंग्रेजी के बड़े अक्षर के अंदर ही देना है। डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपकी उम्र कितनी है, आपकी DOB क्या है, तो यहाँ पर 02 जैसे कि मैं लिखता हूँ, इसके बाद 05 मंथ में, और उसके बाद ईयर में 1997, इस प्रकार से मैं अपनी DOB भर देता हूँ। सेम तरीके से आपको भरनी है। फिर दोस्तों 11 पॉइंट है आपका परमानेंट होम एड्रेस विद पिन कोड, यानी कि जो आपका स्थाई पता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका एड्रेस आपकी ID के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही लिखना है। एक बॉक्स के अंदर एक ही वर्ड लिखिएगा और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखिएगा, और इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट के सामने अपनी स्टेट लिख देनी है, जो भी आपकी स्टेट है। फिर यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का डाल देना है, यानी कि लिख देना है। फिर 12 पॉइंट है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस, ऊपर आपने भरा है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो नीचे भी आपने जो ऊपर एड्रेस भरा है वही भर दीजिए, अगर अलग अलग है तो अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप कर दीजिए। फिर आते हैं दोस्तों आपके सामने 13 पॉइंट एप्लीकेशन फी डिटेल। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फी के बारे में भी आपके डाउट हो गए, ये भी मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ कैसे आपको ये फीस पे करनी है। तो यहाँ पर जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या वेटेज के नीचे ये जानकारी आपको दी गई है। पहले तो आप जान लीजिए कि किस कैटेगरी कैंडिडेट को क्या फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट है और EWS कैंडिडेट है, इसमें यहाँ पर जो फीस रखी गई है वो 50 रुपये है। जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए भी 50 रुपये है, और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, और विकलांग के लिए भी कोई फीस नहीं है। अब मान लीजिए आप जनरल या फिर OBC से इस फॉर्म को भर रहे हैं या EWS से भर रहे हैं, तो आपको 50 रुपये फीस पे करनी है। फीस पे करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो ऊपर लिंक दिया है ये लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ये लिंक मैं डायरेक्टली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहां पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहां से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और रिक्रूटमेंट फी को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों एप्लीकेंट नेम, यही आपको यहां पर वो नाम भरना है जो नाम आपने अभी फॉर्म को फिल करते समय यूज किया है, एग्जैक्ट नेम आपको यहां पर भर देना है। इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है, और ये एंटर करने के बाद आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आपको INDIAN इंडियन लिखना है। DOB आपने क्या चूज किया फॉर्म को भरते समय वही DOB यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ इसको सिलेक्ट करके, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, आपने जो एड्रेस फॉर्म के अंदर भरा है वही एड्रेस आपको यहाँ पर पिन कोड सहित लिखना है। आपका आधार नंबर क्या है वो आधार नंबर आपको यहाँ पर देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर, अब यहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आते हैं, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 1/2021, तो आपको आना है और ये नंबर यहाँ पर लिख देना है। ट्रेड, यानी कि आप किस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो या फिर किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, तो चलिए हम इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर कह लीजिए कि आपको एग्जैक्ट नेम यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपकी फीस का अमाउंट कितना है वो आपको लिखना है, 50 रुपीज है तो 50 रुपीज लिख देना है। रिमार्क्स में आप कुछ भी जानकारी दे सकते हैं अपने बारे में या फीस के बारे में, कुछ आपको बताना है कि हाँ ये उसकी फीस है। बेसिकली ये आपको यहां पर रिक्रूटमेंट फी लिख देना है कि ये रिक्रूटमेंट फी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फिर से नेम देना है और अपनी DOB यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी लिखनी है, और जो यहाँ पर कैप्चा कोड है, सिक्योरिटी कोड है, वो आपको डालना है। डालने के बाद आपको नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जानकारी आपने भरी है इनको वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है। और वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बिल डेस्क आ चुकी है, आप इन मैसेजेस माध्यम से चाहे फीस जमा कर सकते हैं, चाहे वो SBI की नेट बैंकिंग हो, अदर बैंक की नेट बैंकिंग हो, SBI का डेबिट कार्ड हो या अदर बैंक का डेबिट कार्ड हो, UPI हो, NEFT हो या फिर SBI ब्रांच हो। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके फीस को जमा करें, क्योंकि इससे जमा करने पर जो फीस जमा करते हैं उसमें एरर आने के काफी कम चांस होते हैं। वैसे आप डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार, इसलिए मैं आपको नेट बैंकिंग प्रेफर कर रहा हूं। यहां पर आपको अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV डालना है, और जो कैरेक्टर यहां पर दिए गए हैं ये डालकर के आपको पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपकी
ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाए तो आपको यहाँ पर आ जाना है जहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको नेम ऑफ बैंक यानी कि आपने किस बैंक से फीस को जमा की है आपको उस बैंक का नाम यहाँ पर देना है। ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस यानी कि जो आपने यहाँ पर फीस जमा की है उसके बाद आपको जो रेफरेंस नंबर मिला है वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। ट्रांजेक्शन डेट आपने किस डेट में इस फीस को जमा किया वो यहाँ पर आपको लिखना है। अमाउंट आपका क्या था फीस का वो आपको लिखना है। ये सब जानकारी आपको फीस जमा करने के बाद मिल जाएगी। जिन कैंडिडेट SC ST से भर रहे हैं उनको यहाँ पर ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपको नोट करके बोला कि नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड अदर देन SBI कलेक्ट प्रूफ ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जो आपकी यहाँ पर आपने फीस जमा की है उसकी जो आपको प्रिंट है वो ले लेनी है और लेने के बाद उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। फिर दोस्तों 14 पॉइंट आता है, इफ ए कैंडिडेट बिलोंग्स टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशन इन पारा 4 ही मे इंडिकेट हिज डबल ट्रिपल कैटेगरी सेपरेटली इन द फॉलोइंग बॉक्सेस यूजिंग दियर ऑब्जर्वेशंस यानी कि यहां पर जो आपकी 4 ऑप्शन है ये जो आपकी कैटेगरी यहाँ पर मेंशन की है अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि यहाँ पर EWS से भी और GREF वार्ड से भी आर्मी वार्ड से भी तो आपको क्या करना है आपके लिए ये ऑप्शन है 14 आपको यहाँ पर वो सभी कैटेगरी मेंशन कर देनी है जो कि आप बिलोंग करते हो उन कैटेगरी के अलावा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको इस कॉलम को खाली छोड़ देना है आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है 15 पॉइंट जिसके बारे में हमने क्वालिफिकेशन में बात की थी। आप इनमें से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपको वेटेज दिया जाता है वो आपको यहाँ पर यस नो में बताना है। अगर आपके जैसे कि डू यू होल्ड NCC-B सर्टिफिकेट अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपको यस के ऊपर टिक करना है नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक करना है। अगर आप इनमें से किसी से भी बिलोंग नहीं करते आपके ऊपर कोई भी जानकारी एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसको नो कर दीजिए सभी पे नो कर दीजिए कि हाँ मैं इसमें से किसी से भी बिलोंग नहीं करता जिस पे करते हो उस पे यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका जो एक नोट करके आपको बोला है कि इफ यस जो कि सिर्फ एच के लिए ही है जो आपका एच पॉइंट है कि हाँ अगर आप इसमें स्पोर्ट्समैन हो और यस करते हो तो आपको बोले कि राइट एक फॉर स्टेट लेवल अगर आप स्टेट लेवल पर खेले हो स्पोर्ट्स में तो आपको इस कॉलम के अंदर या फिर इस बॉक्स के अंदर एक लिखना है और अगर आप उससे ऊपर वाले लेवल पर खेले हो तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है और अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर खेले हो तो आपको 3 लिखना है। तो इस प्रकार से आपको देना है स्टेट लेवल के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 2 और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए 3 इस कॉलम में देना होगा अगर आप यहाँ पर इस वाले एच वाले ऑप्शन में यस कर रहे हो नहीं तो आपको नो करना है और इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपको बोला कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी अटैच्ड इन सपोर्ट ऑफ अबो क्लेम यानी कि जो ये ऊपर आपने क्लेम किए हैं अगर किए हैं तो आपको उनसे जुड़े हुए सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं उनकी फोटोकॉपी। अब आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन विद मैट्रिकुलेशन एग्जाम यानी कि जरूरी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो आपको पहले तो नेम ऑफ एग्जाम यानी कि 10th या 12th तो आपको यहां पर लिखना है सबसे पहले 10th। फिर आपने किस ईयर के अंदर पास किया वो ईयर आपको लिखना है इस वाले कॉलम के अंदर। बोर्ड आपने किस बोर्ड से किया वो आपको यहां पर 3rd वाले कॉलम में देना है। अब यहां पर है सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेंड तो सबसे पहले तो आपको यहां पर सब्जेक्ट देना है। आप 10th की जानकारी में ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा और मार्क्स में यहां पर आपको टोटल मार्क्स देने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मार्क्स में आपको कितने मार्क्स आए हैं वो लिखना है। जैसे कि मुझे 10th में 600 मार्क्स में से 580 मार्क्स आए थे तो मैं यहाँ पे मार्क्स में 580 लिखूंगा और आउट ऑफ मार्क्स में मैं 600 लिखूंगा कि हाँ इसमें से मुझे इतने आए थे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी इनके अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों सेकंड कॉलम में आपको अगर आप 12वीं पास हो और आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि 12वीं की क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन कंपलसरी रूप में मांगी है। तो जो आपकी मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर की पोस्ट है इस पर 10वीं और साथ ही आपसे ITI की योग्यता मांगी है यानी कि 12th कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा मल्टी स्किल्ड वर्कर मैथ्स वेटर पर भी और साथ ही आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए जो कि आपका मैथ्स वेटर है कोई इसमें आपसे ITI या सर्टिफिकेट नहीं मांगा। व्हीकल मैकेनिक में आपसे सर्टिफिकेट मांगा या फिर ITI आपकी होनी चाहिए इनमें से किसी ट्रेड में तो बेसिकली इसमें भी 12वीं कंपलसरी नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है अगर आपने 12वीं की है और जो अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी आपके पास है तो आप 12वीं की जानकारी दे दीजिएगा। नेम ऑफ एग्जाम में आपको 12th लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग में आपको पासिंग ईयर डालना है, यहां पर आपको आपके बोर्ड का नाम लिख देना है जैसे कि UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, MP बोर्ड जो भी आपका बोर्ड है। फिर आपको सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देना है जैसे कि PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स।
इसके बाद आपको मार्क्स के अंदर यहाँ पर वो नंबर लिखने हैं जो नंबर आपको ट्वेल्थ के अंदर आए थे। आउट ऑफ मार्क्स में आपको वो लिखने हैं जिसमें से आपको वो आए थे, जैसे कि मुझे 12वीं के अंदर 480 नंबर आए थे और वो जो आए थे मुझे वो आए थे 500 के अंदर से। तो आपको यहाँ पर पहले 500 लिखना है और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आपको आउट ऑफ मार्क्स के कॉलम में लिखना है। आपकी परसेंटेज कितनी थी वो परसेंटेज यहाँ पर आपको लिख देनी है। इस सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी है, जैसे कि 10th 12th डिग्री जो भी आपके पास है, और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपने दी है उनकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। तो ये तो हुई दोस्तों आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बातचीत। और यहाँ पर जो मैंने आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है जैसे कि कोई सर्टिफिकेट है या फिर जो आपके पास आईटीआई की कुछ सर्टिफिकेट है ट्रेड में किसी ट्रेड में, तो आप यहाँ पर वो जानकारी इसके अंदर भर सकते हैं। आपको नेम ऑफ एग्जाम के अंदर आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका नाम देना है, किस ईयर के अंदर आपने पास किया वो यहाँ पर आपको देना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी की जगह आपको अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है, मार्क्स ऑब्टेंड लिखने हैं कितने में से आए से वो आपको यहाँ पर देना है, ऑब्टेंड के अंदर तुम आए हुए और आउट ऑफ यहाँ पर यानी कि टोटल मार्क्स आपको आउट ऑफ मार्क्स के अंदर लिखना है और परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देनी है। साथ ही आपको अपनी फोटोकॉपी भी इसके साथ अटैच करनी होगी। फिर आता है 17 पॉइंट जहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देनी है, और ये सिर्फ ड्राइवर्स एमटी रोड रोलर एंड ओईएम्स ओनली पर लागू होती है इन पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए। तो अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल है तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू यानी कि जो आपका लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है वो कब इशू हुआ था वो डेट यहाँ पर डालनी है, इश्यूइंग अथॉरिटी आपकी कौन सी थी वो आपको यहाँ पर देना है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश जो भी है जहाँ से भी आपने इशू कराया है उसका नाम आपको देना होगा। इनिशियल वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइसेंस यानी कि जो आपकी इनिशियल वैलिडिटी है पीरियड ऑफ लाइसेंस की वो आपको यहाँ पर लिखनी है कि कब, वो डेट आपको बेसिकली यहाँ पर देनी होगी कब आपका लाइसेंस रिन्यू होगा उसकी डेट यहाँ पर आपको दे देनी है। अगर आप हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की जानकारी दे रहे हैं तो वो भी आपको सेम तरीके से भरनी है, साथ ही आपको उसकी फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अब नीचे आता है 18 पॉइंट टोटल एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है, अगर आप उस पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है या फिर आप डिजायरेबल रूप में जो एक्सपीरियंस मांगा है उसकी जानकारी दे रहे हो, तो आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय यानी कि उस कंपनी या फिर उस बंदे का नाम देना होगा जहां पर आपने काम किया है इस वाले कॉलम के अंदर। साथ ही आपको पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर यहाँ पर वो डेट डालनी है जिस डेट से आपने वर्क को ज्वाइन किया था, और टू में आपको वो डेट डालनी है जब तक आपने वर्क किया है, नेचर ऑफ वर्क डन आपने किस तरह का वर्क किया है उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको लिख करके बता देना है। मंथली सैलरी ड्रोन आपको मंथली सैलरी कितनी मिलती थी वो सैलरी यहाँ पर आपको देनी है यानी कि बतानी है लिखनी है, आपकी जो परमानेंट थी या फिर टेम्परेरी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर 19 पॉइंट है ओनली फॉर बीआरओ लेबर सीपीएल एक्सपीरियंस, अगर आप ओनली सॉरी बीआरओ लेबर या फिर सीपीएल है तो आपको जानकारी देनी है, फ्रेशर को ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। 20 पॉइंट आपका था डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपको पैलेस का नाम डालना है जिस जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, डेट यहाँ पर डालनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, जिसके ऊपर सिग्नेचर नहीं होंगे वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको एडमिट कार्ड के अंदर की जानकारी भी भरनी है, यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपका देना है, चिपकाने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, सन ऑफ यानी कि फादर का नाम देना है, हाउस नेम या फिर नंबर देना है, विलेज का नाम देना है, तहसील लिखनी है, स्टेट डालनी है, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर लिखना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख देना है, पिन कोड यहाँ पर डाल देना है, और एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जब आप फॉर्म को सबमिशन करोगे तो सिग्नेचर करने होंगे, और ये बेसिकली टाइम टू टाइम आपको सिग्नेचर करने हैं, शुरुआत में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इतनी ही जानकारी भरनी जो कि मैंने यहां तक आपको बताई है, और ये सब जानकारी भरने के बाद आपको उसको कहां पर सेंड करना है उसके बारे में आप यहां से जानकारी जान लीजिए। तो चलिए मैं यहां पर इसके बारे में आपको बताता हूं। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको ये फॉर्म कब तक भरना है, तो आपको जो फॉर्म भरना है उसके लिए आपको 45 दिन का समय दिया है इस भर्ती के आने के बाद के। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर आपकी ये स्टेट है, इन स्टेट से हो, तो आप 60 डेज बाद तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको इस फॉर्म को एक लिफाफे के अंदर डालना है, और डालने के बाद उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जो कि कैपिटल में होना चाहिए और सेम तरीके से लिखा होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है, और पोस्ट ऑफ के बाद आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, कैटेगरी के बाद आपको इनमें से अपनी वो कैटेगरी लिख देनी है जिस पर आपने अप्लाई किया है, वेटेज परसेंटेज इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये लाइन लिखने के बाद आपको अपनी जो परसेंटेज की वेटेज है वो वेटेज आपको
लिखनी है लिफाफे के ऊपर की तरफ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपका फॉर्म यहाँ पर हो चुका है, और आपको इसको सेंड कहाँ पर करना है वो भी आपने यहाँ पर देख लिया है। ये फॉर्म आपका कमांडेंट GREF सेंटर DIGHI कैंप पुणे 411-015 इस एड्रेस के ऊपर आपको सेंड करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको रीजन बताया कि अगर आप इनमें से कोई भी जानकारी गलत करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा। यहाँ पर ये आपके रीजन है, आपको इन सभी रीजन को अच्छे से देख लेना है कि हाँ आपने इनमें से कोई रूल तो नहीं तोड़ा है। अगर आपने ये सभी जानकारी सही से फिलअप किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और ये वो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी यहाँ पर दी गई है जो कि जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा जहाँ पर आपको बुलाया जाएगा तो आपको इन सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ जाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसके बारे में सभी जरूरी जानकारी जान ली है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपके मन में एक डाउट होगा कि इस फॉर्म को सेंड कैसे करना है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर कैसे, तो ये जानकारी भी आप यहाँ पर ऑफिशियली देख लीजिए। आपको यहाँ पर बोला कि ऑल एप्लीकेशन क्यूटिंग दी एडवर्टाइजमेंट नंबर डेट एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर दी फॉर शुड बी सबमिटेड टू कमांडेंट इस एड्रेस के ऊपर तो सेंड करनी ही है। ये आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से करनी है अलोंग विद अक्नोलेजमेंट कि हाँ आपने इस फॉर्म को भरा है, आपको अक्नोलेज करना है मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ। तो ये आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही सेंड करना है, अन्य किसी माध्यम से नहीं करना है, नहीं तो रिजेक्ट कर जाएगा, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा प्रोसेस सीमा सड़क संगठन 02/2021 भर्ती 2021-22 के फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मालूम हो गई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।